सर, ट्रॉयका ऑफ पावर में सुप्रीम कोर्ट बहुत अहमियत अख्तियार कर रही है। आपके दौर में बेशुमार ऐसे फैसले आए जिससे सियासी बहरान बढ़ा। 63A का फैसला उसमें एक था, और आज जब मैं आपसे ये इंटरव्यू कर रहा हूँ तो आज वो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया कि आइन से मावरा है। आपकी रिएक्शन क्या है उसके ऊपर? देखिए, ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि यानी जो मुकन्नना है उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के सब जजेस नहीं, मेरे लिए वो जजेस इंतहाई लायक एहतराम हैं और काबिल एहतराम हैं, जो कि आईन और कानून के ख़िलाफ़ कोई बात ना करते हैं ना सुनते हैं, वो इंतहाई लायक एहतराम हैं। लेकिन चंद जजेस ने पार्लियामेंट के साथ जानबूझ के मुहाजराई की और पार्लियामेंट को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने, आप जानते हैं कि वो कौन से जजेस, नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन ये बात मैं जो कह रहा हूँ कि चंद जजेस जो हैं। सर, ये जो बेंच था जिसने आज फैसला दिया, आप इनमें से किसी एक जज से भी खुश नहीं होंगे? मुनीब साहब हैं, आप उनसे खुश नहीं होंगे? बंदियाल साहब, बात खुशी की या ना खुशी की नहीं है, मैं मुझे बताइएगा आप ज़रा काइंडली कि मुकन्ना को पूरा इख्तियार है कानून साजी का। ये दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक बेंच वो सुप्रीम कोर्ट का जो मुकन्ना का ये हक सलब कर ले कि आपने ये जो कानून बनाया है इसकी अमलदारी अभी हमने रोक दी है। ये तो पहले तारीख में पहली मरतबा हुआ, एंटीसिपेशन में रोक दी, नहीं कानून बनने से पहले रोक दिया। ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है। मैंने ना आज तक इस तरह का वाक़या कभी नहीं देखा, ना पाकिस्तान में ना बाहर। कानून बन जाए उसको अगर कोई चैलेंज कर दे वो और बात है, लेकिन उसको इन एंटिसिपेशन के वो उसको रोक दें उसके ऊपर अमलदारी, ये तो कभी ज़िंदगी में इस तरह का वाक़या ना देखा ना दोबारा शायद कभी रूनुमा होगा। तो ये क्या था सर आज ऑर्डर? ये मुकन्ना की जो हक है उसको सल्व करने की एक कोशिश थी, जिसको मैं समझता हूँ कि हर तौर पर उसको एक नापसंदीदा ये एक्ट था, उनका नापसंदीदा एक्ट है। एब्सोल्युटली, इस ऑर्डर के अंदर दो चीज़ें हैं जी, मैं उनसे एज प्राइम मिनिस्टर, एक जमहूरियत, एक सियासी जमात के लीडर के तौर पर आपका रद्दअमल उसके ऊपर चाहूँगा। एक तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिफ्ट का मामला है कि आपने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल नहीं कर सकते, वहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ठीक है कि 55 नंबर है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का। लेकिन इस ऑर्डर के अंदर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग दो जगह पे ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने कहा कि रूल मेकिंग सुप्रीम कोर्ट की जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट को उतना ही इख्तियार है जितना कानून साजी का पार्लियामान को है, तो ये दो अदारे बराबर नहीं हो सकते। यहाँ आपका रद्दअमल क्या है? मलिक साहब, आपने खुद ही बात की एक हवाले से बड़ी अच्छी तरीके वजाहत कर दी है। कानून बनाना मुकन्ना का काम है, सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकती, सिर्फ उसकी तशरीह कर सकती है, दैट्स ऑल। ये उनका कहना, मैं समझता हूँ कि ये उसी तरीके से एक दूसरी जहत में आप लेंगे कि एक यानी उनकी रूलिंग है कि भाई अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो वोट गिने जाएंगे। भाई अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो, अगर ये आपने पाबंदी लगा दी कि एक पार्टी अपने वो खिलाफ अपना वोट देना चाहे तो उसके वोट काउंट नहीं होंगे, तो पर वो वोटिंग कैसी होगी? उन्होंने पहले फैसला वो, तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं समझता हूँ कि किसी तौर भी अपना जमहूरियत और आइन की तशरी को मजबूत नहीं करती, बल्कि ये कदम लगाती हैं।